नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर क्लाउड में। दोस्तों, आपने एक कहावत हिंदी में ज़रूर सुनी होगी कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से चीन लगातार हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा है। आए दिन कोई ना कोई नई घुसपैठ करता रहता है और हमारे सैनिक से आए दिन भिड़ता रहता है। लेकिन दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? भारत ने हमेशा चीन से बात करने की कोशिश की है। अभी रविवार को भी दोस्तों 13वें लेवल की मीटिंग थी भारत और चीन सेना के बीच लद्दाख मसले पर। लेकिन दोस्तों, यह मीटिंग लगभग 8.5 घंटे चली और भारत जो भी मांग इस मीटिंग में रख रहा था, चीन हर बात को ठुकरा दे रहा था इस मीटिंग में। दोस्तों, चीन की इस अड़ियल रवैये की वजह से लद्दाख में हालत और भी गंभीर होंगे और भारत अभी तक बातचीत पर निर्भर था। लेकिन दोस्तों, अब यह साफ हो गया है इस मीटिंग से चीन सुधरेगा नहीं। दोस्तों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इसको सुलझाने के लिए रविवार को कोर कमांडर स्तर की 13वीं मीटिंग हुई। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कोई हल नहीं निकला। और बता दें कि रविवार को माल्डो में करीब 8.5 घंटे ये मीटिंग चली। इसमें ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जारी गतिरोध को ख़त्म करने पर बात हुई थी। तो जो भारत की तरफ से बयान जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि चुशूल माल्डो में रविवार को मीटिंग हुई थी। इसमें भारत की तरफ से ईस्टर्न लद्दाख में पूर्ण डी एस्केलेशन की बात की गई, जिस पर चीन राजी ही नहीं हुआ। मतलब गतिरोध अभी ख़त्म ही नहीं होगा। और दोस्तों, वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने की, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। दोस्तों, भारत ने मीटिंग में यह कहा कि जिस तरह धीरे धीरे पेंगोंग झील, गलवान और गोगरा में डी एस्केलेशन हो रहा है और वहां बफर जोन बनाए गए हैं, उससे गतिरोध खत्म करने के अंतिम संकल्प की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। चीन ऐसा ही बफर जोन हॉट स्प्रिंग इलाके में भी बनाना चाहता है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, 3 से 10 किलोमीटर के बफर जोन का मतलब है कि भारत उस इलाके में पेट्रोल नहीं कर सकता जैसा कि वह पहले से करता आया है। इसके अलावा देवसांग और डैम चौक जैसे मुद्दे, जो कि मई 2020 से शुरू हुए गतिरोध का हिस्सा नहीं है, उन पर चीन बातचीत करने को कतरा रहा है। और दोस्तों, मीटिंग के बाद भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में बताया गया कि मुलाकात में भारत की तरफ से विवाद को सुलझाने के रचनात्मक सुझाव दिए गए थे, लेकिन चीन सहमत नहीं था। साथ ही साथ उसने कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं दिया जिस पर आगे बातचीत की जा सके। मीटिंग में भारत ने साफ कहा कि मौजूदा हालात, चीन द्वारा यथास्थिति में परिवर्तन की कोशिश और द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन करने की वजह से पैदा हुआ है। वहीं चीन की तरफ से आरोप लगाया गया कि भारत अनुचित और अवास्तविक मांगों पर जोर दे रहा है, जिससे बातचीत में दिक्कत पैदा हो रही है। और दोस्तों, चीन के इन अड़ियल रवैयों से लद्दाख में हालात और भी ख़राब होंगे और युद्ध जैसी स्थितियां गहराने लगी हैं। दोस्तों, अब आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।